हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल पीयूष क्रिएशंस। और आज 11 तारीख हो गई है और गुड़गांव के जो हालात हैं वो इतने बेकार हो रहे हैं, इतने बेकार कि बर्थडे सर पर है। ना मैं शॉपिंग कर पा रहा हूँ, ना मैं टेस्ट राइड ले पा रहा हूँ अपनी बाइक की, और कुछ भी नहीं हो पा रहा है घर के अंदर। और अभी 2 दिन से हम लोग का वर्क फ्रॉम होम भी हो रखा है, मतलब पानी इतना ज़्यादा भरा पड़ा हुआ है ना, ऐसा लग ही नहीं रहा कि हम गुड़गांव में रह रहे हैं। ऐसा लग रहा है कि रोड जो है ना वो स्विमिंग पूल है और उसमें लोग तैर तैर के जा रहे हैं, इतना पानी भरा हुआ है। और ऑफिस के पास तो बहुत ही ज़्यादा पानी है, तो मतलब अभी ऐसा लग रहा है ना, तो पता नहीं क्या ही हो रहा है, कुछ कर ही नहीं पा रहे ना, टेस्ट राइड ना कुछ। लेकिन अभी अभी इस बीच में हम लोग एक शोरूम और गए थे सुजुकी के, जहाँ पे मुझे एक बाइक थोड़ी सी सही लगी थी, तो टेस्ट राइड तो ले नहीं पाए थे। लेकिन आज थोड़ा माहौल ठीक है, देखो धूप ऊप आ रही है, तो आज वो घर पर ही टेस्ट राइड लेने देने आ रहा है, तो 5 बजे तक आ जाएगा। तो सोचा चलो इसका शोरूम का शूट नहीं कर पाए तो आज टेस्ट ड्राइव की शूट कर लेते हैं, देखते हैं कैसा लग रहा है। और बताना कि वो सही भी लग रही है, क्योंकि देखो वो जो बाइक है ना वो बहुत मस्कुलर, उसकी जो बॉडी है ना बहुत मस्कुलर है, तो हो सकता है शायद आप लोगों को पसंद ना आए, और बहुत सारे लोग को पसंद भी आए, तो सबकी अपनी अपनी चॉइस होती है। मेरे को तो पसंद भी है और मेरे को MT15 भी पसंद है, ठीक है। मैं दो बाइक में बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़ हूँ, अब इन दो बाइक में मेरा डाउट क्लियर होगा। और MT15 की भी मैं जल्दी से जल्दी मैं टेस्ट राइड वाली मैं वो लेके आऊँगा, ब्लॉग लेके आऊँगा, तो उसमें भी बताना कि कौन सी ज़्यादा बेटर लग रही है और फिर कौन सी मेरे को बाय करनी चाहिए, परचेज़ करनी चाहिए। तो अभी वेट करते हैं, अभी 4 बजे, मतलब 5 बजे का टाइम दिया उसने, 4 बज चुके हैं, 4 से इनफेक्ट ज़्यादा ही हो गया होगा, कितना हो रहा है, 4:30 ऐसे हो रहा है। और भैया का वेट कर रहे हैं, देखते हैं। आज तो मौज ही काट रहे थे, क्योंकि साथ में आज एक भाई भी है, क्योंकि वर्क फ्रॉम होम चल रहा है, तो तीनों ही मौज काट रहे हैं। उनको देखो कैसी ठंडी पड़ी हुई है, एक बार और देखो। ये वर्क फ्रॉम होम चल रहा है, लैपटॉप पड़ा है इधर, कहाँ गया है, ये रहा लैपटॉप और वो पड़ी है उधर, और मेरा तो चल ही रहा है। तो ये हो सकता है ये ब्लॉग तुम कैप्चर हो गई हो सकता है कि ब्लॉग बहुत छोटी हो, क्योंकि बस यही है स्पेसिफिकेशंस। अगर मैं बताऊँ तो देखो MT15 और ये SF जो है ये सिमिलर उसमें आते हैं, बस कितना 30-40 हज़ार का फ़र्क है दोनों में, बाकी सेम वो है स्पेसिफिकेशन। ज़्यादा ही कुछ हुआ तो थोड़ा पानी कम हुआ अगर गुड़गांव में, तो शॉपिंग करने पे चले जाएंगे तो उसकी भी थोड़ी बहुत क्लिप मिल जाएगी। पता है शॉपिंग भी नहीं कर पा रहा, मेरे को शूज़ लेने थे, मेरे को कपड़े लेने थे, मेरे को और भी बहुत सारी शॉपिंग करनी थी, लेकिन इस पानी के चक्कर में ना मैं कुछ कर ही नहीं पा रहा हूँ, क्योंकि गाड़ी एकदम इतना इतना डूब जा रही है, पूरा वो उस बोनट से भी ऊपर पानी आ रहा है, समझ ही नहीं आ रहा कैसे क्या होगा। और इस बार तो कुछ ज़्यादा ही, हर बार भी उसमें ही आता है, लेकिन इस बार तो पता नहीं क्या ही था, या तो मैं गुड़गांव पहली बार आया हूँ इसमें ऐसे सीज़न में इसलिए। और सबसे बड़ी चीज़ की बर्थडे का हमारा प्लान था कि हम कहीं बाहर ट्रिप पर जाएंगे या फिर हम अच्छी जगह जाएंगे, 2-3 जगह हमारे फिक्स थे, क्योंकि ऑफिस से भी हमें ऑफ मिल चुका था, सारी चीज़ें एकदम क्लियर थी, सारी एकदम प्लानिंग श्लानिंग एकदम बढ़िया हो गई थी, बस ये बारिश, फिर बारिश के बाद हमारे इंडियन पेरेंट्स, जो भी कुछ होना होगा वो मौनी के बच्चों के साथ होगा, देखी होगी आप लोगों ने स्टैंड अप कॉमेडी, तो मेरे घर वालों को भी लगता है कि जो होना होगा मेरे साथ ही होगा, तो उन्होंने मना कर दिया कि नहीं अभी वहाँ नहीं जाना, जो करना है गुड़गांव करो या फिर आसपास जाओ जो प्लेन एरियाज हैं, कहीं ऐसे पहाड़ों वगैरह पर नहीं जाना, हमारा पहाड़ पर जाने का बहुत मन था, और इनफैक्ट जगह भी एक नंबर थी यार। लेकिन अभी हम रिवील नहीं करेंगे, क्योंकि रिवील कर देंगे तो अगली बार के लिए कुछ कंटेंट नहीं बचेगा। तो अभी नहीं, वो देख कैसे देख रही एकदम। तो यार तुम छुट्टी हो गई, बाकी आप लोग मेरे को एक सेकंड चुप रहना, बाकी आप लोग मेरे को पिन कर सकते हैं कि कोई प्लेन एरिया हो जो दिल्ली गुड़गांव नोएडा के आसपास हो, Please. जो वही बोला मैंने तुम एक्सेंट में बोल रहे है ना, तो वो आप सजेस्ट कर सकते हैं, जिस पे अगर ऐसा लगेगा कि थोड़ा अच्छा सा है और वहाँ पे बर्थडे वगैरह सेलिब्रेट अच्छे खासे उसमें हो सकते हैं, तो बढ़िया चीज़ है। और नहीं हुआ तो फिर गुड़गांव में एक तो है ही हमारा बड़ा तगड़ा प्लान है, वो तो पसंद आएगा ही आएगा, बस उसमें भी कुछ ना हो जाए, क्योंकि किस्मत बहुत ही बेकार चल रही है इस टाइम, इतनी बेकार चल रही है कि क्या ही बताऊँ, जो मैं जिसमें आप छोड़ो कुछ नहीं, चलो ज़्यादा दुखड़े मत सुनो, वो दुखड़े अपने नेक्स्ट ब्लॉग में सुनाऊंगा मैं, बताए टाटा है ना, ये रो रही है, इसको बनाने हैं राजमा और टमाटर नहीं है, टमाटर यहाँ चल रहा है 200 रुपए किलो टमाटर चल रहे हैं, ठीक है, और इतना ये एक एक सब्जी में 2-2-3-3 टमाटर फूंक देती है, इतने अभी देखना खाने के लिए पैसा कमा रहे हैं, तो इतना इतना कि एक सब्जी में तुम 3-3 टमाटर पेल दो, डालूंगी एक डालूंगी, लाओ तो सही, सुबह से भूखे बैठे हैं हम, नहीं ला रहे, अपने अपने खसम से मंगवाओ, जाओ फोन करे लाओ, जा हाँ करो फोन, फोन ही तो नहीं चल रहा है, ये बेचारी का फोन देखो कितना महंगा फोन है, ये देखना अभी
ये देखो ये है, इनको टमाटर खाना ही, फोन नहीं ले पा रहे हैं, ये टमाटर खाएंगे हैं। लॉगिन कर लें तो अभी अटेंडेंस लग गई, एलओपी लग जाएगा हमारा और कुछ नहीं, तब टमाटर के टमाटर रह जाएंगे तरह के तरह। तो मैं तब टमाटर खाने थे ना, करो अपने अपने उनको, लाओ अपने बाबू को कॉल करो, करो करो। तो अभी तो एक बाबू जिसको फोन गाली देने का मन कर रहा है, जिसको फोन करना होता मेरा फोन लेके तो कॉल करती है, बस ये थी बाबू की कॉल करनी है। कबाड़ा ना यार तू, भगवान जी भी तुम छाट छाट के भेजते हैं कि ले इसको तेरे दोस्त बनाऊंगा, इसको तेरे रूममेट बनाऊंगा, इसको तेरी बहन बनाऊंगा, इसको तेरी कलीग बनाऊंगा। अगर कसम से, क्या कसम से यार, बंद हम तो बंद नहीं करेगा, इधर आओ इधर आओ। ओह सॉरी, मेरे बेचारी का जला पड़ा हुआ है हाथ, सॉरी यार सॉरी। हाँ रोलो रोलो और ब्लॉग में थोड़ी नौटंकी कर लो। की है भाई सब, मेरे को लगा रो रही है, मैंने ब्लॉग एंड करके हाथ रखो फोन रखो और ये मैडम मोर दो ना घुटंड खींच के, ऐसे तुम्हारे उत्तम पैर एकदम सुनहरा सुनहरे आ रहे हैं, पता ना अभी भी आ रहे हैं। बंद कर लो इसको, बता रहे हैं बहुत गंदे आ रहे हैं इसको, मैं नहीं। चलो तुम्हें पता तो चला, बकचोदी मत करो प्लीज, ले आओ। क्या तो मैं नहीं आ रहा, जिसको जा ले एक टमाटर खाना जाके लेकर आए, टमाटर का देखो टमाटर लेकर आए हैं 260 रुपए किलो है और देखो कितने आए हैं, ये पावर है और ये देखो एकदम मुंह के पास ला के रख दिया हम लोगों ने, इसके गाली दे के सोई थी हमें। टीना ब्लॉग बन रही है, गाली को दे रही हो, दबा मत देना, तुमसे महंगे है ये टमाटर, पता है कैसे दिया है 260 रुपए। चलो बे, हो गया। अब 260 के टमाटर खाने के लिए नहीं कर रहे हैं, हम गरीबी से ही हैं। चांदी से महंगा हो रहा है मेरे हिसाब से। हमारी बाइक आ चुकी है नीचे, अब जा रहे हैं उसकी टेस्ट राइड लेने के लिए, देखते हैं कैसी रहेगी और बाइक का पूरा लुक भी दिखाऊंगा। चल लो यार, चल रहे हैं नीचे, मिलते भैया। हमारी बाइक सामने खड़ी है, चल के दिखाते हैं आपको। और ये अपना भाई टेस्ट ड्राइव करते हुए, अपनी गली में तो
भाई अभी टेस्ट राइड लेके आ चुके हैं भाई, अच्छी थी, मतलब स्टेबिलिटी थी, कॉन्फिडेंस था उस बाइक में, और मतलब सारी चीज़ें मेरे को, सारी तो नहीं पर हाँ चीज़ें ठीक लगी, हल्का सा वाइब्रेशन फील हुआ मेरे को। मैंने 3 गियर में ही चलाया, उससे ज़्यादा मैंने चलाया नहीं था, क्योंकि यहाँ पे रोड अभी पानी वानी भी भरा हुआ था और रोड थोड़ी सी वैसी सी हो रही थी। तो तू क्यों हंस रहा है वे? चीज़ और बतानी थी कि जो ये बाइक है ना, ये सेम कलर की नहीं है, मतलब मॉडल यही था लेकिन कलर जो होगा वो ब्लैक होगा। ये तो टेस्ट बाइक थी तो इसलिए लेकर आया था वो बंदा, बाकी इसमें ब्लैक कलर का होगा। साइड में मैं यहाँ फ़ोटो दिखा दूंगा कि ये है वो, और जैसे भी लगे बता देना, बताना कि कैसी लग रही थी मेरे पे बाइक, सही लग रही थी या नहीं, क्योंकि काफ़ी मस्कुलर है तो हो सकता है कि वो सही भी ना लगे। बाकी चलाने के अगर परफॉर्मेंस बेस देखा जाए तो अच्छी थी, काफ़ी जल्दी वो ले रही थी, क्या कहते हैं उसे, पिकअप बहुत जल्दी है उसका, और हाँ गाड़ी में पावर भी है, अच्छा खासा है। बाकी कैसी लगी ब्लॉग कमेंट सेक्शन में बताना, और लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करना, बेल आइकन को भी प्रेस कर देना। और रही बात कि एक चीज़ और दिक्कत आ रही है, पता है कि इस सावन के महीने में 3 तारीख को या 5 तारीख को एक मुहूर्त निकला था बाइक लेने का, लेकिन उस टाइम पे ले नहीं पाए क्योंकि उस टाइम मैंने पंडित जी से दिखाया ही नहीं था। फिर उसके बाद फिर अभी पंडित जी, कभी कोई पंडित बोल रहा है कि 14 तारीख को है, कोई पंडित कह रहा है 17 तारीख को है, कोई पंडित कह रहा है 18 तारीख को है, कोई 19 को कह रहा है, तो अभी बहुत कन्फ्यूज़ है, क्योंकि मेरे घर पर बहुत ज़्यादा ऐसा है कि मुहूर्त में ही सारी चीज़ें, बड़ी चीज़ें लेनी चाहिए, तो जब मुहूर्त निकलेगा तभी हम बाइक निकलवा लेंगे, और होपफुली जल्दी ही आए मुहूर्त, क्योंकि 17 तारीख शुभ दिन बता रहे हैं कि शुभ डेट है, लेकिन उस दिन एक चीज़ हो गई है कि उस दिन वो है क्या कहते हैं उसे, अमावस, तो मम्मी कह रही थी कि अमावस वाले दिन कुछ ऐसी चीज़ें नहीं लेते हैं, लोहा वोहा और ये सारी चीज़ें, तो देखते हैं फिर कैसा क्या है। बाकी बाइक आएगी तो एकदम पक्की बात है कि बाइक आएगी, लेकिन कौन सी आएगी अभी नहीं पता, अभी एक और बाइक रह रही है MT15, उस MT15 का भी एक बार टेस्ट राइड ले लूँ कि वो ज़्यादा बेटर है। वैसे दोनों को कंपेयर किया तो मुझे MT15 ज़्यादा अच्छी लग रही है, लेकिन ये भी अच्छी है, ये थोड़ी सस्ती है, MT15 ज़्यादा महंगी है, तो देखते हैं अभी कैसा क्या है, प्लीज़ बताना कमेंट सेक्शन में। अभी के लिए बाय बाय, गुड नाइट, राम राम।